दिल्ली शिक्षा मॉडल न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या छापा, भक्तों की तो मानो बत्ती ही गुल हो गई। अपने आकाओं और अब्बाओं के चाटकारों में बेचैनी इस कदर बढ़ गई मानो इन चाटकारों पर कोई पहाड़ टूट गया हो। फिर क्या, आनन फानन में चाटकारों के सरदार तिहाड़ी, आज तक के एंकर कम बीजेपी प्रवक्ता सुधीर चौधरी ने मोर्चा संभाला और कल रात यानी शुक्रवार को रात 9 बजे चुराए गए प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट में चौकीदारों को चाटुकारिता की चाशनी का ज्ञान देने लगे। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। गुरुवार 18 अगस्त को अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को प्रमुखता से छापा। फिर क्या, देखते ही देखते दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के यहाँ काले जादू वाले जादूगर साहब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने CBI के जिन छोड़ दिए। देर शाम तक जब जादूगर के जिंदों को कुछ हाथ नहीं लगा तो चाटुकारों के सरदार तिहाड़ी कम बीजेपी प्रवक्ता सुधीर चौधरी ने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में खुन्नस निकाली। देखते ही देखते अपने शो में चौधरी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक प्रति लेकर उसका विश्लेषण करने लगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान को भी अपने तरीके से समझाने लगे। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख में दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ सुधीर चौधरी को हरगिज पसंद नहीं आई और विदेश की मीडिया पर ही सवाल खड़ा कर दिए, मानो किसी गुफा में भक्तों के आका आसाराम राम रहीम जैसे ढोंगी बाबा भक्तों की तरक्की का प्रवचन दे रहे हों। सुधीर चौधरी ने कहा कि अमेरिका जैसी विदेशी मीडिया भारत की तरक्की को पसंद नहीं करती हैं, इसलिए विदेशी मीडिया पर भारत के लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। अब इनसे हमें ज्ञान लेने की जरूरत है। जो लोग 2000 के नोट में माइक्रोचिप बता रहे थे, अब वो लोग बता रहे हैं कि हमें कौन सी मीडिया पर विश्वास करना है और किस पर नहीं। जो लोग दिन रात देश में पाखंड और अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं, साल के 365 दिनों 7 दिन 24 घंटा अपने अफवाहों के खुड्डे सहलाने का काम करते हैं, वे ज्ञान देने चल पड़े इस तिहाड़ी संगी भक्त सुधीर चौधरी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ ये फोटो खिंचवा कर क्या साबित कर रहे थे, सब जानते हैं। दरअसल ये अमेरिका के राष्ट्रपति और विदेशी मीडिया को ये बताना चाहते थे कि ये चड्डा गैंग के सरदार अपने आकाओं के लिए भौंकने वाले कितने वफादार हैं। अब इस तिहाड़ी को कौन समझाए कि दिल्ली कोई पाकिस्तान या चीन में तो नहीं है। फिर इस समय ये लॉजिक देना कौन सी तुक है कि विदेशी मीडिया भारत की तरक्की की खबरें नहीं छापता है। क्या दिल्ली का विकास देश का विकास नहीं होगा? साथियों, आपको बता दूं, दरअसल इन संगियों को विदेशी मीडिया तब अच्छी लगती जब ये मीडिया इनके अब्बा का गुणगान करती, और दूसरी बात, इन्हें तर्क की बात करना पसंद भी नहीं है। ये तो सदा भक्ति का चश्मा लगाए ही रहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें गाय के गोबर में गणेश दिखता है और च्यवनप्राश समझकर बड़े ही शौक से ये खा जाते हैं, और इंसान से इन लोगों को बदबू आती है। फिर ये किसी सरकार द्वारा इंसानियत के लिए लिए गए सही फैसले को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो साथियों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।